सॉरी सर्वाइव करेंगे 5 days इन ए लैंड वर्ल्ड। यहाँ पर एक ही ट्री है, तो स्टार्ट करते हैं। तो डे वन को मैंने थोड़ी वुड्स चॉप की, उसके बाद टूल्स बना के मैंने थोड़ी सैपलिंग्स कलेक्ट की, वहाँ से मुझे 2 सैपलिंग्स मिली। उसके बाद मैं चला गया माइनिंग में, वहाँ से मुझे थोड़े कॉबलस्टोन्स और थोड़े कोल्स मिले, जिससे मैंने टूल्स बना लिए। और मैंने थोड़े फूड्स कलेक्ट कर लिए गन हत्या करके, पशु हत्या करके। और मुझे बेड की भी ज़रूरत है, तो एक भेड़ को भी मार दिया, चिकन को भी मारा। उसके बाद मैंने इनको स्मेल्टिंग में लगा दिया। उसके बाद मैं फिर से चला गया माइनिंग, एक कड़ी माइनिंग ट्रिप में आयरन की। अफसोस मुझे आयरन स्टोन छोड़ के और कुछ नहीं मिला, इसलिए मैंने देखा कि एक दूर में आइलैंड है, मैं उसे एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। उस आइलैंड में सैंड और ग्रासेस है, मैं पेड़ वेड़ नहीं था, इसलिए मैं फिर से मेरे आइलैंड में चला। उसके बाद मैंने थोड़े सीड्स कलेक्ट कर लिए फूड के लिए, मुझे 5 सीड्स मिले, तो मैंने उनको प्लांट करने चला गया। और अच्छी बात है कि मुझे क्या 4 खेलते खेलते मुझे 3 सीप्स भी सीड कलेक्ट करते थे, तो मुझे 3 सीप भी मिल गए हैं, तो बेड की कोई चिंता नहीं। तो चलो बेड को रेडी करते हैं और इनको स्मेल्टिंग में भी दे देंगे। पैड चलाया, लोकी क्राफ्ट है ना, क्या हो गया? हाँ ठीक है। तो हमारे पास वुड नहीं है, तो चल तो मैं इन्हें स्पेंड में लगा दिया। और फ्रेंड्स रात होने वाली थी और मेरे पास वुड भाई सॉरी एक फ़ोन आ गया था, इसलिए रात दिन हो गया, सॉरी इसके लो। तो हमारा ट्री उग गया है, तो काट लो, ये डे 2 की सुबह है। तो सैम्पलिंग तो देख के आते हैं, हमारा फार्म में कुछ नहीं हुआ। तो हम बना लेते हैं हमारा बेड, बना के चला गया माइनिंग में। तो दोस्तों मैं फिर से माइनिंग से चला आया, सोचा कि आज ये सब काम कर लूँ। तो इस पेड़ से मुझे बहुत सारे सैम्पलिंग्स मिल गए। तो ये वाला पेड़ भी उग गया, इसको भी चॉप कर बाद उससे जितने भी सैम्पलिंग मिले मैंने उनको प्लांट कर दिया और थोड़े फूड कलेक्ट कर लिए। बाद मैंने सोचा कि छोटा सा झोपड़ी बना लूँ, इसलिए मैं लग गया काम में। मैंने थोड़ी जगह को क्लीन कर ली, अब शुरू करते हैं काम। फ्रेंड्स घर बनाते डे टू का एंड भी हो गया है, तो यहाँ पर बेड लगा के सो जाते हैं। तो डे 3 आ गया, तो स्टार्ट करते हैं घर। तो विंडोज़ और बनाने के लिए मैं सेकेंड हैंड में चला गया सेंट के लिए, तो मैंने आके स्प्रिंटिंग में लगा दिया था सेंटों को। और बाहर बारिश गिर रही थी, लगता है कि डे एंड हो गया है, पर देखते हैं। तो फ्रेंड्स घर रेडी है, यहाँ पर जाओगे डोर ओपन करोगे तो कुछ सजावट, ये बेड है और ऊपर उड़ थे पहले, पर मेरे डोर बनाने के लिए उड़ नहीं थे, इसलिए मैंने यहाँ के उड़ तोड़ के ग्लास लगा दिए, ग्लास ज़्यादा लगे थे। अब देखते रात हुआ क्या नहीं हुआ, तो हम हमारे क्रॉप्स को देख के आते हैं। हमारे क्रॉप्स भी ग्रो नहीं किए, तो थोड़े फूड कलेक्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स डे 3 भी ख़त्म हो गया है, तो चलो सो जाते हैं, डे 4 स्टार्ट करते हैं। तो डे 4 मैंने सोचा है कि सिर्फ माइनिंग ही करेंगे हम डे 4 और 5 दोनों दिनों में हम माइनिंग करके बहुत सारा आयरन और
कोल डायमंड सब लेंगे तो शट करते माइनिंग। थोड़ा नीचे आते हैं, मुझे मिल गया थोड़ा आयरन्स। मैंने उनको माइन कर लिया, बोना भूल गया। नीचे मुझे थोड़े और आयरन मिल गए तो मैंने उनको भी माइन कर लिया। तो मेरा पिकेक छूट गया था इसलिए मैंने थोड़े वुड कलेक्ट करने के लिए मैं फिर ओवर क्या बोलते हैं ओवर फेस में आया। सॉरी क्या था भूल गया, आया सरफेस में आया, याद आया सरफेस। तो फ्रेंड्स मैं सोच रहा कि वुड तोड़ के अपना पिकेक्स बना के फिर से माइनिंग में जाऊंगा, बट मैंने यह सोचा कि थोड़े चारकोल बना लेते हैं उसके बाद आयरन स्मेल्ट करेंगे, इसलिए चारकोल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स स्मेल करते करते डे फोर भी ख़त्म हो गया। तो डे फाइव में आते हैं। तो फ्रेंड्स हम इस वर्ल्ड में सर्वाइव कर लिया, हमने 5 दिन में हमने इस वर्ल्ड में सर्वाइव कर लिया। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, अगर अच्छा ना लगे तो लाइक मत करना, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कुछ भी बोलने जा रहा हो डिसलाइक मत करना, वो करने में 10 रुपये लगते हैं। तो फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक लिए बाय बाय।